Hi guys, in this video we'll discuss about how to start my MHLAW CET 3 years and 5 years preparation from August onwards. 2024 में अपना एग्जाम है. आज ही मैं लेक्चर ले रहा था दादा सेंटर पे एंड स्टूडेंट आस्क मी द सेम क्वेश्चन. सर अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है बिकॉज वी हैव लॉन्च रिसेंटली वन बैच एट दादर एंड थाने ऑल्सो ऑल द सेंटर्स वी हैव लॉन्च द बैचेस. सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अस ये नंबर है. अंधेरी सेंटर ऑल्सो वी हैव लॉन्च, सो अंधेरी में भी यू कैन कॉन्टैक्ट एंड ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे. सो जो बच्चों का जनरल क्वेश्चन था वो आई थिंक ये क्वेश्चन सबके लिए एप्लीकेबल है कि हाँ अभी चालू कर रहे हैं अगस्त से तो कैसे करेंगे पढ़ाई. तो मैंने काफ़ी प्लानर दिया हुआ है और बहुत बेसिक सा प्लानर जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सलेट करनी होगी और कुछ चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना होगा. ठीक है, 3 ईयर्स लिख रहे हो या 5 ईयर्स लिख रहे हो दोनों एग्जाम्स को लेकर. इनफैक्ट जितने लोग 5 ईयर्स लिख रहे हो या 3 ईयर्स लिख रहे हो, आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर इस साल है, मतलब बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो भी आपको दोनों एग्जाम बैलेंस करना है. ठीक है, तो पहले तो ये सेट ऑफ बुक्स होनी चाहिए आपके पास. 5 बुक आपको मिलेगी अगर आप 5 ईयर्स के लिए हो, और 3 ईयर्स के लिए हो तो मैथ्स नहीं है आपके पास, तो 4 बुक्स, लॉजिक, इंग्लिश, जीके, लीगल. और अगर आप 5 ईयर्स लिख रहे हो तो मैथ्स ऐड हो जाएगा. तो ये सेट ऑफ बुक्स मेक श्योर आपके पास हो और प्रैक्टिस के लिए बुक लगेगी. ये सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं कम से कम 2 बार और ज़्यादा से 3 बार कर लेना. 3 बार कर लिया तो मतलब सॉर्टेड है. तो वन जो जो मैं बताने वाला हूँ पेन लिख ले लो भाई, थोड़ा सा जॉट डाउन करते जाओ. ठीक है, वन बाय वन आई विल कीप ऑन टेलिंग ऑल द सेक्शन वाइज प्लानिंग. सो वेरी फर्स्ट डेली बेसिस पे क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है, तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने अभी जस्ट पढ़ाई चालू की है. अगर आपने जस्ट मान लो कि थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत पढ़ाई हुई है, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग ले लेना. न्यूज़पेपर रीडिंग नंबर वन, जिसका पेज वन एडिटोरियल पेज, ये 2 करना ही अपने को. अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो आप इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, और या तो फिर अगर अच्छी है इंग्लिश आपकी अबाव एवरेज है द हिंदू, कोई भी एक पेपर उठा लो. बट हार्ड कॉपी पे लेके पढ़ो या तो फिर कंप्यूटर पे पढ़ो, मोबाइल पे मत पढ़ो. बिकॉज एग्ज़ाम अपना कंप्यूटर पे, अगर आप कंप्यूटर पे रीड करो तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. ये हो गया. दूसरा हो गया वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक आपको ख़त्म करनी है. थोड़ी सी मोटी बुक है, तो जितने भी मैनुअल के स्टूडेंट्स हैं लाइव क्लासरूम या तो आपने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम दिया हुआ, नेक्स्ट मंथ से इसका पूरा वीडियो पार्ट आने वाला है आपके डैशबोर्ड पे. सो वॉच ऑल द वीडियोस और ई बुक तो गो थ्रू करनी है. तो अगस्त 15 चल रहा है, इसके अंदर 45 सेशंस है. पर वीक अगर आप 5 सेशन करते हो तो मतलब 9 वीक्स में हो जाएगा, मतलब अक्टूबर तक ये कवर हो जाएगा आपका. तो ये कवर कर लेना, वो कैब के लिए इंपॉर्टेंट बुक है. ठीक है, ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर 150-100 रुपये की मिल जाएगी, रेड वाली बुक ऑर्डर कर लेना. ठीक है, सो या दिस इज अबाउट दी वोकैब. तो पर सेशन करने में 20 से 25 मिनट का टाइम आपको लगेगा, जो आपको डेली बेसिस पे करना है. मंडे टू फ्राइडे ही करना है, बाकी सैटरडे संडे रिवीजन करना है. ठीक है, ग्रामर एंड आरसी इसको अल्टरनेट कर दो. ग्रामर को लेके आप मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो 100 रूल का हैंडआउट्स मिल जाएगा, प्लस वीडियो मिल जाएंगे आपको. उन सबको अच्छे से देख लो, एक आपका किट बना लो सिनॉप्सिस किट और रिवीजन फिर, और आरसी आपका अल्टरनेट ड्रेस. राइट, तो आज मान लो कि मंडे मैंने आरसी सॉल्व किया, कल ट्यूसडे मैंने ग्रामर किया, उसके बाद फिर से आरसी, 2 आरसी की प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट. उसके बाद आपको काम करना है आपके इंग्लिश के वीडियोस, आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे वीडियोस देख लो और सॉल्विंग चालू रखो, बाकी इंग्लिश के सारे वीडियो देख लो. जब भी आपका लेक्चर होगा, चाहे आपने लाइव क्लास लिया है, क्लासरूम लिया, तो आप रिवाइज करोगे इंग्लिश 2 से 3 बार हो जाएगा अच्छे से आपका. इंग्लिश में लोगों का स्कोर नहीं आता बिकॉज वी आर रिलक्टेंट टू रीड. हम वोकैब पे काम ही नहीं करते, ग्रामर पे काम ही नहीं करते, हमें लगता है कि हम तो स्कोर आ जाएगा. सो डोंट टेक इंग्लिश सेक्शन फॉर ग्रांटेड. ठीक है, स्कोरिंग है बट अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर नीचे आएगा स्कोर. इतना काम अपने को डेली बेसिस पे करना है. ये करने में आपको 2.5 घंटे के आसपास मैक्सिमम, 1 घंटा न्यूज़पेपर वर्ड पर मेड इजी 20 से 25 मिनट, 15 से 20 मिनट आपका ग्रामर एंड आरसी अल्टरनेटिव्स एंड इंग्लिश के वीडियो 30 मिनट्स, तो 2.5 घंटा रफली. ये आपको डेली बेसिस पे करना है. अब इसके साथ साथ जीके, स्टैटिक भी है, करंट अफेयर्स भी है. जीके वास्ट एरिया है, कितना पढ़ोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने ही रिसोर्सेज कंप्लीट करने हैं. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मेन्यूअर कि आपको स्टैटिक जीके में क्या क्या करना है, मैंने बहुत क्लियर कर दिया, वापस से बता दे रहा हूँ. स्टैटिक जीके में पहले वीडियो देखना है, फिर आपका हैंडआउट्स डैशबोर्ड से डाउनलोड करके वो करना है, फिर आपका मेन्यूअर का बुक जो दिया हुआ है ख़त्म. हिस्ट्री मान लो आपने चालू किया, वीडियो, हैंडआउट और फिर हिस्ट्री बुक से, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ख़त्म करना है इस तरह से. ठीक है, सो इंग्लिश एंड जीके ये दोनों ऐसे सेक्शन है जहाँ पे मेजर जनता का स्कोर नहीं आता है बिकॉज लैक ऑफ रीडिंग द डेटा एंड एक्सेट्रा. तो आपको अच्छे से सारे ये दो सेक्शन पे तो अच्छे से काम करना ही करना है विदाउट फेल. ओके, सो आई थिंक जीके हो गया क्लियर, इंग्लिश हो गया, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह हम कर रहे हैं. अब आते हैं लॉजिक एंड क्वांट पे.
फाइव ईयर्स पे मैथ्स आएगा मुझसे। आई थिंक थाने में आई वॉज टेकिंग लेक्चर और बोरीवली सेंटर, स्टूडेंट ने बोला सर मैथ्स छोड़ दूँ क्या? मेरा स्ट्रेट अवे आंसर था भाई क्यों छोड़ना है, अभी अपने पास टाइम है, ठीक है। मैथ्स छोड़ने वाली बात हम एग्ज़ाम के एक दो महीना पहले बात करना मेरे से, आई विल टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं। उसमें भी मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है या क्या मिनिमम टॉपिक करके मेरा स्कोर बन जाएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट एग्जाम के लास्ट तक आई कीप ऑन गाइडिंग यू वर्कशॉप्स वगैरह, एंड ऑल्सो आई विल बी राइटिंग दिस ईयर अगेन एग्जाम्स, ऑल द सिटी एग्जाम्स आई राइट एवरी ईयर, तो आपको कंप्लीट एनालिसिस भी मिली जाएगी और उसी तरीके का आपका टीचिंग करिकुलम और आपके मॉक में भी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो मॉक भी आपके डैशबोर्ड पर वेरी सून विल बी लॉन्चिंग। तो हाँ, इतना काम करना है। क्वांट एंड लॉजिक इसको आप वीकेंड पे रिवाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिकॉज इसके लिए लॉन्ग सिटिंग लगेगी, दो तीन घंटा आपको बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपके पास वीकडे में टाइम है तो आप वीकडे में कर लो एक एक घंटा, मतलब आज मैंने लॉजिक दे दिया फिर कर मैंने क्वांट कर लिया, या तो फिर ये वीक में लॉजिक ही कर रहा हूँ उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्वांट कर रहा हूँ, या तो फिर ऑल्टरनेट डे, या तो फिर मंडे टू फ्राइडे लॉजिक फिर सैटरडे संडे अपना मैथ्स। सो जैसा भी टाइम सूट होता है, कन्वीनियंट होता है, आप वैसा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी बचा लीगल, लीगल मैं नवंबर में रिकमेंड करूँगा, अभी नहीं, अभी मेरे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर है, ये चार सेक्शन पे मैं फोकस कर लेता हूँ। थ्री इयर्स के लिए मैथ्स नहीं तो आपके तीन सेक्शन हो गए, ठीक है, इस पर अभी फोकस करते हैं और लीगल नवंबर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई वॉन्ट कि दिसंबर तक अपनी मेजर पढ़ाई हो जाए, उसके बाद आप फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज करो। सी ई टी में टॉप मारना है ये माइंडसेट के साथ चलो, जी एल सी आई एल एस नीचे सोचना ही नहीं है, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए पढ़ाई को लेकर। सो बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, सी ई टी की प्रिपरेशन, चाहे आप थ्री ईयर्स या फाइव ईयर्स कर रहे हो, स्टडी अबाउट द एग्जाम वेरी फर्स्ट, वॉट एग्जाम डिमांड्स, वॉट आर माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन और द एरिया वेयर आई नीड टू वर्क आउट मोर, ठीक है, मेरा कम्फर्ट जोन क्या है, ठीक है, टॉपिक को लेकर के, सिलेबस को लेकर, ये सारी थोड़ी सी स्टडी करो, ठीक है। तो अपने से एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन टॉक टू दी मेंटर, यू कैन टॉक टू आर काउंसलर, दे विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन पार्ट। बट क्या है कि जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो आप उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, भाई ये स्कोर लाऊंगा, ये वाला कॉलेज मिलेगा, मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है, ये आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वेग प्रिपरेशन नहीं करनी है, ब्लाइंडली प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल्सो आई रिकमेंड वन मूवी एंड वन नॉवल टू एवरी वन, ये वाली मूवी देख लेना, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मोटिवेशन लगेगा एंट्रेंस में, दो तीन बार आपको पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले तो देख लेना स्टार्ट करने से पहले ये वाली मूवी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी। दूसरा नॉवेल पढ़ना है अपने को, इंडिया अनबाउंड, ये वाला, ऑथर इज गुरुचरण दास, पढ़ लेना। वाई इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री, वॉट वॉज द मिस्टेक डन बाई नेहरू जी, वाई आर्टिकल 370 इज देयर, लॉट्स ऑफ थिंग यू विल बी लर्निंग फ्रॉम दिस नॉवेल, तो ये कर लेना, ये दो काम कर लेना, ठीक है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन से बुक पढ़ के हो जाती तो क्या ही बात था, आपको एक्सटर्नल फैक्टर भी लगेंगे जो मैं आपके लाइव सेशन में और क्लासरूम में आई कीप ऑन गाइडिंग यू, व्हेनेवर आई विजिट द सेंटर आई यू कैन मीट मी, यू कैन टॉक टू मी। बट हाँ, इस साल ही अपने को एग्ज़ाम निकालना है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग 24 का सी ई टी थ्री ईयर्स लिख रहे हैं या फाइव ईयर्स लिखने वाले, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट पर लिख के मुझसे आप पूछ सकते हो। कल 15 अगस्त है, नारियल फोड़ो, श्री गणेश करो, स्टार्ट योर सी ई टी प्रिपरेशन। और बैचेस को लेकर के यू कैन कॉन्टेक्ट आवर सेंटर, बोरीवली दादर वसई थाने अंधेरी, एंड लाइव के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर लो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू सब्सक्राइब द मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैनुअल लॉ एंट्रेंस, जहाँ पे लॉ स्पेसिफिक आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर आप वीडियो मैनुअल एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो तो मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल अलग से है लॉ का, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।